मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में प्रदेश की पहली मेडिसिटी एवं मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल, राज्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, उज्जैन के प्रभारी मंत्री श्री गौतम टेटवाल, सांसद श्री अनिल फिरोजिया सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेडिसिटी की परिकल्पना दी है। इसके अंतर्गत एक ही कैंपस में स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी विभिन्न सुविधा और समाधान उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में ये परिकल्पना उज्जैन में साकार हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार हर नागरिक के स्वास्थ्य की चिंता कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये मेडिसिटी अत्याधुनिक सुविधा से लैस होगी। ज्यादा से ज्यादा सुविधा एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। इस मेडिसिटी के माध्यम से 1500 से अधिक बिस्तर वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का यहाँ प्रबंधन होगा। वर्तमान में 5000 से अधिक मेडिकल सीटों की व्यवस्था मध्य प्रदेश की धरती पर हो गई है। इसे आने वाले 2 साल में 10,000 तक ले जाएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फ्रीगंज में नया कलेक्टर कार्यालय और उज्जैन में होम्योपैथी कॉलेज खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के पुलिस लाइन स्थित सरोवर पर सिंहस्थ 2028 को आपदा मुक्त संपन्न कराने के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर डीप डाइवर्स तैराको बोट हैंडलर्स के कार्यों का अवलोकन किया और ब्रीदिंग अपरेटस, स्नैक कैचर तथा आपदा प्रबंधन में उपयोग होने वाले अन्य उपकरणों का निरीक्षण भी किया। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महामृत्युंजय द्वार से 1,11,111 लड्डू के प्रसाद रथ को मुख्यमंत्री जी ने केसरी ध्वज दिखाकर अयोध्या जी के लिए रवाना किया। जनकपुर नेपाल में आयोजित श्री राम सीता विवाह उत्सव में आने वाले भक्तों को ये प्रसाद वितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के टावर चौक पर भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को इंदौर में सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ एम्प्लाइड साइंसेस के दीक्षांत समारोह 2024 में सहभागिता कर प्रतिभावान विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान कर बधाई और शुभकामनाएं दी। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज किताबी ज्ञान भले ही पूरा हुआ हो, परंतु दीक्षांत के बाद स्वाध्याय, मनन और चिंतन सतत जारी रहना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को मंत्र दिया कि यही समय है, सही समय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के आध्यात्मिक पदयात्रा के लिए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप सनातन संस्कृति के उत्थान के उद्देश्य से यात्रा पर निकले हैं। प्रसन्नता का विषय है कि पदयात्रा के माध्यम से क्षेत्र में जन जन को आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होगा।